ड्रीम क्लासेस के नोट्स को खरीदने के लिए हमें आप इस नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें। ऑल सब्जेक्ट की फीस मात्र 499 है। अगर आप इस नोट्स को खरीदते हैं तो आपको लाइव क्लास मुफ्त दी जाएगी और क्रैश कोर्स फ्री रहेगा। तो 499 में ऑल सब्जेक्ट है। इस बार अगर बोर्ड का एग्जाम देने वाले जल्दी से संपर्क। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस में। और आज की सुबह सुबह की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके सामने प्रीवियस ईयर्स फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए। ये क्वेश्चंस बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ये वीडियो हम आपको प्रतिदिन सुबह सुबह पब्लिश करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो सुबह सुबह उठकर इस वीडियो को पढ़ सके। प्लीज़ नीचे एक लाइक का बटन है, दबा दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू आपके फ़ोन पर जाती रहे, तो इसका नोटिफिकेशन जाने के लिए नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर दबाइएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ आपके साथ आपके पास पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। 30 क्वेश्चन हमने दो पार्ट में ऑलरेडी डील कर दिया है, आज पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 31 कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा। 2011 में पूछा गया सवाल है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या होगा। तो आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 50,000 ओम। बहुत ही अच्छा सवाल है ये हमारा, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 50,000 ओम होगा। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि विद्युत वाहक बल की जो बीमा है ML² T-inverse A-inverse है। और ये क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है। तो आंसर क्या होगा? ML² T-inverse 3 A-inverse। ये क्वेश्चन नंबर 32 था। और 33 की ओर हम लोग एंट्री करेंगे कि शोषित विद्युत ऊर्जा है, शोषित विद्युत ऊर्जा है, और ये 2017 में पूछा गया सवाल है। तो चार विकल्प जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि विभांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, और नन ऑफ दिस। तो आंसर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्या है कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, ये हमारा शोषित ऊर्जा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। और ये सुबह सुबह का ये डोज हम इसलिए लेकर आते हैं ना बच्चों को, मुझे लगता है कि ये बहुत ही फ्रेश टाइम है, माहौल बहुत अच्छा है। इस टाइम बच्चे जो है पढ़ के काफ़ी अच्छा जो है याद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सुबह सुबह रटी गई चीज़ें जो है वो माइंड में ज़्यादा देर तक रहती है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो सुबह सुबह लेकर आता हूँ प्रतिदिन 5 बजे। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र बताइए। तो आपको पता है कि लॉरेंज बल के परिकलन करने के लिए सूत्र है F वेक्टर इज इक्वल टू Q × E वेक्टर प्लस V वेक्टर × B वेक्टर, ठीक है। लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र है F वेक्टर बराबर Q × E वेक्टर प्लस V वेक्टर × B वेक्टर। ये बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है ये सवाल जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र। चलिए अगला जो सवाल है, 1/2 ε₀ E² का बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि क्या होगा। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है 1/2 ε₀ E² के बीमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की जो राशि होगी वो हमारा आंसर होगा B²/2μ₀, ठीक है, B²/2μ₀। ये क्वेश्चन नंबर 35 था। 36, डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, डायनमो की जो क्रिया है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। और जैसा कि स्क्रीन पर काफ़ी सारा ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला जो ऑप्शन है कि विद्युत धारा के चुंबक के उष्मीय प्रभाव पर, दूसरा विद्युत चुंबक के प्रेरण पर, और तीसरा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर, और चौथा नन ऑफ दिस। तो जैसा कि स्क्रीन पर दिख ही रहा है आपको कि 2 नंबर पर हमने टिक लगाया हुआ, यानी आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। डायनमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबक के प्रेरण पर। ठीक है स्टूडेंट, आंसर क्या होगा, विद्युत चुंबक के प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 37, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक जो होगा ये हमारा एम्पियर मीटर होगा। और ये बहुत ही अच्छा सवाल है, 2010 और 2017 दो बार पूछा गया ये क्वेश्चन। जी बिल्कुल, ठीक है, कि ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एम्पियर मीटर, AM,
ठीक है, चार विकल्प आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 कि किसी विद्युत चुंबक के विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन है, किसी विद्युत चुंबक के विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन है, तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह क्षेत्र हमारा कौन सा होगा? दृश्य दृश्य किरण होगा, एक्स किरण होगा, पराबैंगनी किरण होगा या अभ्रक्त किरण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि किसी विद्युत चुंबक के विकिरण की ऊर्जा 13.2 केल्विन है, तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित होगा वो हमारा क्या होगा? एक्स किरण होगा। और ये इस क्वेश्चन की खासियत यहाँ पे देखिए कि ये क्वेश्चन 2018 के बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो बिल्कुल इसको हम हाईलाइटेड मानेंगे, इंपॉर्टेंट मानेंगे। और ये देखिए बहुत ही लाजवाब सवाल, 3 साल से लगातार आ रहा है जी, 2016, 2017 और 2018, कहीं 2019 ना लिखा जाए इस बार फिर से। ठीक है, प्रतिघात का मात्रक, इस बार 20 का जो बोर्ड होने वाला है आपका, कहीं वो ना लिखा जाए प्रतिघात का मात्रक। तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, चार विकल्प जैसे थे यहाँ पर दिए, ओम, महो, फैराडे और ये आपका हो जाएगा एम्पियर। देन करेक्ट आंसर इज ओम, पहला आंसर होगा 39 का ए। तप्त तार एमीटर मापता है, तप्त तार जो एमीटर है वो मापता है प्रत्यावर्ती धारा का कौन सा मान? उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्गमान या नन ऑफ दीज। देखिए ये 16 में पूछा गया सवाल है कि तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि आंसर क्या होगा? मूल्य औसत वर्गमान। तप्त तार एमीटर जो मापेगा वो मूल्य औसत वर्गमान को मापेगा स्टूडेंट। चलिए 41 में हम लोग एंट्री करते हैं कि एक उभयोत्तल लेंस जिसकी म्यू इज इक्वल टू 1.5 है, के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या अगर 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। एक उभयोत्तल लेंस म्यू इज इक्वल टू 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता, 2012 में पूछा गया सवाल है, लेंस की क्षमता जो होगा वो हमारा 5 डाइऑप्टर होगा जी। बिल्कुल बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, हमारा करेक्ट आंसर होगा 5 डाइऑप्टर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 42 कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और स्क्रीन पे दिख रहा है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इन्फिनिटिव, अनंत होती है जी स्टूडेंट। बहुत अच्छा सवाल है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है जी, सवाल है कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का क्या कारण है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। 2017 में पूछा गया सवाल है, तो पतली झिल्ली के रंगीन होने का जो कारण है वो व्यतिकरण है, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण व्यतिकरण है। और बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, पूछेगा इस बार बोर्ड के एग्जाम में कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं कि आकाश तरंग का संचार होता है या आकाश तरंग का संचार आधारित है किसके परावर्तन पे? आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, या आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, या आयन मंडल से संचरण पर, या नन ऑफ दीज। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक नंबर आंसर होगा, और 2009 और 2018 दो बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। और ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद आप इस वीडियो को नीचे लाइक करिएगा और नीचे शेयर का बटन है। कम से कम मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर हमारी टीम आपके लिए कुछ अच्छा कर रही है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम 50 दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए नीचे, सिर्फ लिंक शेयर कर दीजिए, वीडियो शेयर करने का ज़रूरत नहीं, लिंक में ज़्यादा MB भी खर्च नहीं होगा आपका। मुश्किल से सिर्फ WhatsApp पे जैसे मैसेज करते हो उसी तरह से आप नीचे शेयर का बटन है क्लिक करिए, WhatsApp का ऑप्शन आएगा, Facebook का ऑप्शन आएगा, तुरंत शेयर कर दीजिए। और जो जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को आज शेयर करेगा वो अपना नाम लिखेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट बताएगा और अपना स्टेट बताएगा कि वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं, और मैं वादा करता हूं कि उनके SMS के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। अगर वो कोई SMS करेंगे, किसी चीज़ की परेशानी उन्हें होगी, तो मैं जो है उनके SMS को खुद पढ़ूंगा और खुद उनका रिप्लाई करूंगा। बस मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे इस वीडियो को शेयर करते हैं। शेयर करने का 2-3 प्लेटफॉर्म है, एक तो आप टेलीग्राम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ शेयर कर दीजिए, WhatsApp यूज़ कर रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, सब बच्चा WhatsApp यूज़ करता है, अपने ग्रुप में डाल दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। Facebook पर कर रहे हैं तब तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है,
तो ये तीन चार ऑप्शन हैं, आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये फैक्स, फैक्स का अर्थ पूछ रहा है, तो फैक्सी माइल टेलीग्राफी, ये क्वेश्चन नंबर 45 था, और अगले वीडियो में मिलेंगे और फिर से 15 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो बिल्कुल आप लोग पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए, पूरा पूरा फोकस रहना चाहिए, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।